नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सब एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस या फैक्ट्री का या किसी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में क्या है आज का विषय। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही खास विषय पर। एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है इच्छाओं की पूर्ति। आज का हमारा जो विषय भी है वो भी बहुत खास है। शहद और सिंदूर का ये उपाय हर इच्छा पूरी करवाए। आप भी बोलेंगे शहद और सिंदूर इच्छाएं पूरी कैसे करवाए। देखिए, इच्छाओं का जो संबंध है ना, हमारे मन से है, हमारी आत्मा से है। जिसमें हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए वही इच्छाओं की पूर्ति है। कामना और इच्छा दो अलग अलग चीजें हैं। कामना हमारे मन से जागृत होती है, इच्छा हमारे मन मस्तिष्क से जागृत होती है। इसमें मस्तिष्क का अगर इन्वॉल्वमेंट है, हमारी आत्मा का अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इच्छा है। और मनोरथ हमारा क्या है, जो हम मन से सोचते हैं। मन का संबंध जल से, मन का संबंध चंद्रमा से, और आत्मा का संबंध हमारे शरीर के ताप से, अग्नि से, सूर्य से। ये खास उपाय जो है ये मिश्रण है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पर दिमाग देना पड़ेगा। सिंदूर मंगल का प्रतीक है, शहद भी मंगल का ही प्रतीक है, और जब कभी भी चंद्रमा और मंगल के बीच स्थिति खराब हो जाए और उस पर भी शहद यानी कि बहता हुआ लिक्विड जो शुक्र को भी प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति को भी प्रतिनिधित्व करता है, अगर किसी का बृहस्पति शुक्र खराब हो जाए तो इच्छाएं जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इच्छाओं का जो स्वामी है वो हमारी आत्मा है, और आत्मा का स्वामी कौन है, सूर्य। तो सभी इच्छाएं सूर्य पर निर्भर करती है और सभी मनोरथ मनोकामनाएं चंद्रमा पर निर्भर करती है। और इस संसार का मूल जो है वो है सूर्य। अगर सूर्य कभी खराब हो जाए तो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हम सिसक जाते हैं यार कि इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। ऐसे में ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। किसी भी महीने की सप्तमी पर, किसी भी रविवार पर, किसी भी मंगलवार पर ये उपाय किया जा सकता है। स्पेशली संडे का दिन बहुत अच्छा होता है इसे करने के लिए, मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है इसे करने के लिए। करना क्या है, थोड़ा सा दूध जो है वो ले लीजिए, दूध में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और उसके ऊपर सिंदूर छिड़क लीजिए। तो दूध की आभा आपने देखा है ना, तो वो सफेद रह पाता है ना ही वो नारंगी हो पाता है। उसकी आभा एक बहुत ही अलग कलर, जिसे हम कहते हैं सिंदूरी कुंद। आपने कुंद पुष्प देखे हैं जिसके अंदर सफेदी तो होती है लेकिन वो एक ऐसा कलर है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, हल्का सा गुलाबी, हल्का सा टिंट लिए सिंदूर को मिलाने से कुछ ऐसा कलर आता है। और मूलतः ये कलर है हमारी इच्छाओं का,
ये रंग है हमारी इच्छाओं का। इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर बृहस्पति भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर शुक्र भी इन्वॉल्व है और मंगल भी इन्वॉल्व है। और करना क्या है, इस मिश्रण को किसी भी पात्र में लेके सूर्य पर चढ़ा दीजिए, उसे अर्घ दे दीजिए। और अब अर्घ देते हुए धीरे धीरे अर्घ दीजिए, एक विशेष तरीके का मंत्र है और उस मंत्र के पीछे भी एक कारण है। बिना कारण के एस्ट्रोलॉजी या शास्त्र या तंत्र होता ही नहीं। पद्म मतलब कमल, और कमल क्या है, इच्छा हमारी। और प्रबोध का मतलब क्या होता है, उठना, जागृत होना। प्रबोधिनी एकादशी का नाम सुना है ना, जिस दिन हरि उठते हैं, प्रबोधन का मतलब होता है उठ करके पूरा कर देना। तो एक विशेष मंत्र है और यह पद्म पुराण से मंत्र है। यह है ओम पद्म प्रबोधाय नमः, ओम पद्म प्रबोधाय नमः। इस मंत्र का जाप करते जाइए और धीरे धीरे करके इस मिश्रण से दूध, शहद और सिंदूर, इसके मिश्रण से आप सूर्य को अर्घ दीजिए। आश्वस्त करता हूं, हर इच्छा जो आपके मन में है जो साकार हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं खराब पति बन जाऊं एक दिन। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं और वो शाश्वत इच्छा है, 100% पूरी होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे, वास्तु दिखा लीजिए, अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं आप। किसी समस्या में अगर फंसे हुए हैं तो समाधान भी हम ही देंगे। अब इजाजत दीजिए, और हाँ, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।